हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं RSEE का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका सब्जेक्ट है, उसका जो चैप्टर 2 है सोलर एनर्जी, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अगर पहला वाला चैप्टर को नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे, ताकि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को पता हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सिंपल से लैंग्वेज में आप लोग समझ लेंगे कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है, अब किरणें जो होती है यहाँ पे हम रेडिएशन बोलेंगे, या उन्हीं को हम जो सूर्य किरणें होती हैं वो फोटॉन्स के रूप में, मतलब कि फोटॉन्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं ऐसे अंगूर का गुच्छा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे तो अंगूर के गुच्छे में जैसे कि फोटॉन्स वही होते हैं, मतलब एक गुच्छे के रूप में प्रकाश की किरणें आती है जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज समझ सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो फोटॉन्स के रूप में आती हैं। ठीक है, यानी एनर्जी जो होती है वो फोटॉन्स के रूप में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेडिएशन विकिरण की, बात दोनों कर लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो जाएंगे। रेडिएशन एंड विकिरण के माध्यम से आप लोगों का जो आप लोगों का सोलर एनर्जी होगा, सोलर पावर प्लांट्स होंगे, ये सारी चीज़ें इसी पे वर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी होती है उसी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक बात इतना समझ गए होंगे। और सोलर एनर्जी को हम बहुत अच्छे वे में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करेंगे अभी आगे चल के सोलर कुकर होगा, सोलर हीटर होगा, सोलर इसे हम बोलेंगे पानी वाला बॉयलर बोलेंगे, तो सारी चीज़ें हम सोलर एनर्जी से कर सकते हैं। आप लोगों का जो सोलर एनर्जी है, इसका जो एप्लीकेशन है दोस्तों, आप लोग अपने जैसे कि आजकल हॉस्पिटल पे वगैरह सारी चीज़ों वहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यह चैप्टर जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों से एक वादा कर सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, या इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों का 35+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोगों को डेली क्लास लेना होगा, डेली पढ़ना होगा चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सोलर एनर्जी का जो बेसिक था उसको तो हमने आप लोगों को बता दिया, अब इसके बारे में कैसे लिखना होता है इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये हमने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, सूर्य की किरणों में फोटॉन्स बीम के रूप में ऊर्जा संग्रहित करते हैं, किसके रूप में, जो रेज होती हैं, सन रेज जो होती हैं दोस्तों, वो जो किरणें होती हैं, सन रेज जो होती हैं, वो फोटॉन्स बीम के रूप में क्या हो जाती है, संग्रहित होती हैं, जो विकिरण के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है, यानी किसके माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से क्या होता है, हमारे पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है। सोलर एनर्जी या सूर्य ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, यानी सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला, या इसको हम बोल सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उसी को परिवर्तित करके हम क्या कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यही भी तो कर रहे हैं भाई कि सोलर एनर्जी है उसको हीट में कन्वर्ट कर, मतलब हीट के रूप में उसको आप लोग समझ सकते हो। ठीक, चलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार सौर विकिरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक डायरेक्ट हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट। दोस्तों, दो प्रकार की सोलर एनर्जी होगी, दो प्रकार से हमारा मतलब कि विकिरण होता है, एक होता है प्रत्यक्ष विकिरण, एक होता है अप्रत्यक्ष विकिरण। ठीक है, यानी डायरेक्ट जिसे हम बोलेंगे, डायरेक्ट रेडिएशन एंड इनडायरेक्ट रेडिएशन। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आप लोगों का सोलर एनर्जी कलेक्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाता है दोस्तों, यहाँ से ये भी हमारा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट की सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोगों का इस चैप्टर का या इस सब्जेक्ट की पूरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाई जाएगी तो उसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस ऐसे ही हम सारी चीज़ों को हवा में बता दे रहे हैं, सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और इससे पहले आप लोगों ने अगर स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और उसमें इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चल रहे कोर्सेज में जल्दी से आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इतनी कम फीस में आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, उतनी फीस अगर फीस में कोई और प्रोवाइड करा रहा होगा तो मैं आप लोगों को पूरी फीस जो है मतलब कि 0 रुपये पे, यानी 1 रुपये में सारी चीज़ों को क्या कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को PDF मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी,
किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले आप लोगों का सिलेबस खत्म किया जाएगा, उसके बाद सिलेबस जैसे ही यानी चैप्टर वन खत्म होता है उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, चैप्टर टू खत्म होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अगर करेंगे ना तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही चरम सीमा पे होगा और आप लोग एग्जाम में जाएंगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सोलर ऊर्जा संग्राही। संग्राही मतलब होता है जो कलेक्ट करता हो, ठीक है। संग्रह यानी संग्रह मतलब होता है दोस्तों, संग्रह मतलब समझ सकते हैं जो चीज़ें कलेक्ट होती हैं एक जगह पे उसे हम बोल देते हैं संग्रहालय। संग्रहालय आप लोगों ने सुना होगा, संग्रहालय में क्या होता है कि बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों को किया जाता है वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। आप लोग प्रयागराज में आएंगे तो यहाँ पे भी है एक म्यूजियम है, उसमें भी आप लोगों को आके देख सकते हैं, ठीक है। इसे हम बोलेंगे आनंद भवन बोलते हैं, बट वहाँ पे उसे हम संग्रहालय भी बोल देते हैं, ठीक है, आनंद भवन संग्रहालय, ठीक। चलिए हम बात करेंगे सोलर ऊर्जा संग्राही की। अब सोलर की बात की जाए, सोलर एनर्जी को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। जो हमारा ऐसी युक्ति होगी जो सोलर एनर्जी को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करेगा, उसी को हम बोल देंगे सोलर कलेक्टर बोल देंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जो क्या करेगा, सूर्य की एनर्जी को कलेक्ट करेगा, सूर्य के रेडिएशन को कलेक्ट करेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, सोलर कलेक्टर बोल देंगे। ऐसी हम डिवाइस को भी आगे चल के देखेंगे दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस हैं जो कि सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सोलर कलेक्टर क्या होता है। सोलर कलेक्टर एक ऐसी युक्ति है जो सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण को एकत्रित करती है यानी एब्जॉर्ब करके यानी एक एक, एक जगह पे क्या करती है, इकट्ठा करती है, ठीक है। और इस ऊर्जा को द्रव को स्थानांतरित कर देती है, यानी जो हमारा मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है मटेरियल उसको हम क्या कर देंगे, उसको ड्राई फॉर्म में मतलब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं यानी भेज देते हैं। कलेक्टर्स की सतह को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि सतह और विकिरण को अधिक से अधिक अवशोषित करे, यानी सतह जो है रेडिएशन या विकिरण को अधिक से अधिक क्या कर सके, अवशोषित करे और कम से कम उत्सर्जित करे, यानी उत्सर्जन उसका रेशियो जो हो बहुत कम हो। यानी कहने की बातें हैं दोस्तों, मान लीजिए इस पे प्रकाश जो आ रहा है इस पे प्रकाश मैक्सिमम प्रकाश इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसके अंदर चला जाए और बहुत कम ही प्रकाश इसके इसके माध्यम से बाहर जाए, यानी रिफ्लेक्ट बहुत कम ही हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे विकिरण की ऊर्जा है अधिक से अधिक अवशोषित हो जाए और कम से कम हमारे उत्सर्जित हो जाए यानी बाहर जाए, ठीक। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोगों को ना समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। सोलर कलेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं इस प्रकार से बोल सकते हैं। एक होता है संकेंद्रित या फोकसिंग प्रकार के सोलर कलेक्टर बोल देंगे और एक होता है नॉन फोकसिंग टाइप का सोलर कलेक्टर होता है, ठीक है। या इसी को हम नॉन फोकसिंग को बोलते हैं फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर बोल देंगे, ठीक है, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर, ठीक। तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, दोनों प्रकार को हम अच्छे वे में देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला आप लोग डाल लेंगे, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा दोस्तों फ्लैट प्लेट या इसी को हम बोलेंगे नॉन क्या है भाई ये, हाँ नॉन संकेंद्रित है, यानी इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में क्या पूछता है, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर को आप लोग संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों और किस प्रकार से लिखना होता है ये सारी चीज़ें हम आप लोग को बताऊंगा, ठीक। ये होता है मेरा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं भाई कि ये होता है मेरा सोलर कलेक्टर का एक हमारा फ्लैट प्लेट वाला जो है उसका फिगर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज की गई हैं इनको आप लोग समझेंगे दोस्त। आप जब ऊपर की इसको ऊपर की ओर से देखेंगे तो यहाँ पे मेरी इस सरफेस पे जो इसकी सरफेस होगी, इसकी सरफेस उस पर क्या होगा, सूर्य की किरणें आके इस पर मतलब कि गिरेंगे, ठीक है। सूर्य की किरणें क्या होंगी, गिरेंगे, यानी सूर्य मतलब सोलर रेडिएशन जो होगा इस पर आके गिरेगा, ठीक है। यानी सूर्य की किरणें इस पर आके जब इस सतह पर गिरेगी तो ये क्या करेगा, इसमें जो इसके अंदर जो हमारा होता है ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसके अंदर, इसके ऊपर कांच लगा होता है, ठीक है। इस कांच पे जैसे ही हमारी सोलर रेडिएशन पड़ेंगी, अब ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ हमारा पुता हुआ होगा और एक तरफ हमारा, जैसे कि आप लोग आईना देखते होंगे ना, शीशा जो आप लोग फेस देखने के लिए यूज करते हैं वो वाला नहीं रहेगा, इसमें पारदर्शी रहेगा, ठीक है। और दोस्तों इसके नीचे एक होता है हमारा अवशोषक सतह होती है जो ब्लैक बॉडी होती है, कैसी होती है, ब्लैक बॉडी होती है, यानी काले मतलब कि काले रंग की एक प्लेट या हम बोल सकते हैं इस पर झिल्ली चढ़ा देते हैं या पर्त चढ़ाते हैं, ठीक है। किस प्रकार की होगी, अवशोषक सतह जो होगा वो काले रंग की होगी। अब दोस्तों काले रंग की क्यों होगी, इसका मतलब भी कुछ होता है क्या होता है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि हमें सफ़ेद कपड़े को पहनना चाहिए, हाँ सफ़ेद कपड़े को पहनना चाहिए तथा सर्दियों के मौसम में हमें रंगीन कपड़े, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसको समझ लेंगे।
गर्मियों में होता क्या है कि जो अगर ब्लैक कपड़ा पहनेंगे आप लोग, मतलब कि रंगीन कपड़े ब्लैक कपड़ा पहनेंगे, तो उसमें होता क्या है कि ब्लैक जो होता है सूर्य की किरणों को अब्सॉर्ब कर लेता है, क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है अगर सूर्य की किरणें अवशोषित कर लेगा तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य गर्मियों में क्या किया जाता है, सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए और सर्दियों में रंगीन कपड़े, ठीक है। अगर रंगीन में क्या होगा दोस्तों कि वो प्रकाश की जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे मतलब बाहर जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉडी क्यों होती है, यानी काला सतह क्यों होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बीच में दोस्तों ये हमारा मान लीजिए इसे हम इंसुलेशन बोल सकते हैं या इसी को हम अवरोधक बोलते हैं, ताकि इधर हमारा प्रकाशीय किरणें नहीं आ पाए, यानी इधर सारी चीज़ें एब्जॉर्ब ना हो। और ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं गोला गोला, इसे हमारी ट्यूब होती हैं, इसे हम पाइप बोलते हैं। अब पाइप के अंदर हम किसी प्रकार का मटेरियल भर सकते हैं, चाहे हमारा पानी गर्म करना होगा या फिर जो भी मटेरियल हमें गर्म करना होगा उसको हम इसमें डाल देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम क्या डाल देंगे, भोजन डाल देंगे, भोजन भी पका लेंगे, नहीं, यहाँ पे लिक्विड टाइप के हमारे जो मटेरियल होंगे उनको ही हम क्या करेंगे, मतलब कि उसे ही हीट करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं पानी, इसमें मैक्सिमम ज़्यादा यूज किया जाता है जो फ्लैट प्लेट होता है दोस्तों, इसमें हम सबसे ज़्यादा पानी को ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पानी वाले, पानी को ही, यानी लिक्विड वाले मटेरियल को ही इसमें गर्म करते हैं। होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसमें खाना वाना गर्म करेंगे तो पाइप में डालेंगे भाई, तो फिर पाइप तो जाम हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए सर्दियों के मौसम में इसमें पानी जो होता है जम जाता है इस पाइप में, ठीक है। ये पाइप में जो पानी होता है वो जम जाता है, जिससे इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें पानी सर्दियों के मौसम में जम जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में इसे यूज नहीं किया जा सकता। हम कब यूज करेंगे, गर्मियों के मौसम में, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। लेकिन हमें गर्म पानी की जरूरत कब पड़ती है, सर्दियों में पड़ती है। तो देखेंगे दोस्तों हमें किस प्रकार से रिक्वायरमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या है क्या नहीं है ये सारी चीज़ें तो आप लोग देख चुके होंगे, जो भी इसका इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक। अब चलिए दोस्तों इसको लिखना कैसे है इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिए अपने दोस्तों में, अच्छे खासे से शेयर करिए, ताकि अगर आप लोग लाइक कर लेते हैं दोस्तों तो उससे मैं समझ जाता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये सारी चीज़ें कंटेंट अच्छा लग रहा है, और मैं भी आप लोगों से ही मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की तब कोशिश करता हूँ, ठीक है। बट ऐसा होता है दोस्तों कभी कभी कि आप लोग मतलब कि इतनी खराब रेटिंग दे देते हो कि मतलब उतना एस्पेक्ट नहीं किया जाता मैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम फ्लैट प्लेट और नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर की, ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे के तापमान पर उपयोग में लाया जाता है, यानी जब हमारा बोला जाएगा दोस्तों टेम्परेचर कितना हो, इसका यूज कब करेंगे, जब हमारा टेम्परेचर दोस्तों 90 डिग्री सेल्सियस हो या इसके नीचे थोड़ा बहुत हो तब इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इससे जल को गर्म किया जाता है, यानी पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। यह आयताकार साइज में लगभग 1.7:2 या फिर इसे हम बोलेंगे 1.7 से 2.9 meter² क्षेत्रफल के बने होते हैं, यानी कहने की बातें हैं दोस्तों लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, इसकी रेशियो की बात की गई है, ठीक है। तो ये इतने क्षेत्रफल में बने होते हैं। एक विशिष्ट यानी स्पेशल संग्राही या सोलर कलेक्टर 2 meter × 1 × 0.15 meter साइज का, यानी 1.5, ये सारी मीटर में ही है, जो हमारी वैल्यूज हैं सारी मीटर में है, इसकी इन साइज की होगी। लंबाई हमारा 2 meter होगा, चौड़ाई हमारा 1 meter होगा, और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों वो हमारी 0.15 की हो जाएगी, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीज होती हैं, ये तीनों चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी संरचना सरल होती है और यह सफलतापूर्वक किए जाते हैं, यानी सफलतापूर्वक इसको हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, बस इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने आप लोग बताया है, वो भी आगे चल के मैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। आगे क्या है दोस्तों, इसमें अवशोषक सतह होती है जो काले रंग की पेंट युक्त कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है, यानी जो ये बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, ये काला रंग का आप लोगों को दिखाया भी है मैंने, ये काले रंग की होती है, क्या करता है, अवशोषक होता है। अवशोषक मतलब जो कि एब्जॉर्ब कर ले, काले रंग की बनाएंगे हम, ठीक है। और कैसी होगी, कंडक्टिंग मटेरियल से बनाएंगे। यह सतह सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन को अवशोषित कर उष्मा में बदल देती है, यानी इसको क्या करेगी, जैसे हीट को एब्जॉर्ब करेगी और उसमें उसको उष्मा में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। आगे वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये सामान्यतः तांबे एल्युमिनियम का बना होता है। क्या हमारा जो ये हम अपना कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर बना रहे हैं, ये किसका बना होगा, तांबे या एल्युमिनियम का बना होता है। इससे सटी हुई अनेकों संख्या में कापर की ट्यूब्स लगी होती हैं, देख सकते हैं
सॉरी ये हम जो बोल रहे हैं तांबे एल्यूमिनियम की बनी होती है, ये अवशोषक पर्त जो है जो हमने बोला कंडक्टिव मटेरियल होगा, ये जो काले रंग का बनाएंगे ये हमारा तांबे या एल्यूमिनियम का होगा, किसका होगा, कापर या एल्यूमिनियम का हम बनाते हैं। और दोस्तों ये जो आप लोगों को ट्यूब दिख रही है, ये जो ट्यूब हमने बोला गोला गोला आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, इनको हम बहुत मतलब कि हाईली लेवल में जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है या जरूरत जितनी होती है उतने लेवल पे हम इसको लगाते हैं, ठीक है। अब ये किसकी बनी होती है, तो ये कापर ट्यूब की बनी होती है, किसका, कापर ट्यूब लगी होती है, इसे हम कापर की बोलेंगे, ठीक है, कापर ट्यूब, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें तरल पदार्थ जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, भरा होता है, सारी चीज़ों को हम हीट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये कापर ट्यूब्स उष्मा से गर्म हो जाती हैं, यानी जो इसमें जैसे ब्लैक बॉडी जो हमने बोला ब्लैक कलर की जो कंडक्टिंग मटेरियल है ऊपर वाली ब्लैक कलर की, ये क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जो कापर की ट्यूब्स लगी हुई हैं उसके नीचे, उसमें पानी भरा हुआ है, वो भी क्या होगी, हीट होगी, ठीक है। उष्मा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पृथक्कारी का उपयोग करते हैं, यानी अलग अलग करके यूज करते हैं। इसकी मोटाई 50 mm से 100 mm तक होती है, किसकी, जो ट्यूब लगी है उसकी मोटाई बोला जा रहा है। अवशोषक सतह को शीशे के पारदर्शी कवर से ढक दिया जाता है, जो ऊपर देखे हुए आप लोगों ने पारदर्शी कांच होता है उसी से क्या किया, उसको क्या कर देते हैं, उसे ढक देते हैं, सतह को शीशे के पारदर्शी कवर से ढक दिया जाता है, जिस पर सोलर विकिरण पड़ती है, यानी इस पर सोलर विकिरण पड़ती है जिसपे, इसको हम किस पे मतलब पारदर्शी कांच होता है, जब मतलब पारदर्शी मतलब आर पर दिखे, तो उस कांच को ऊपर रख देते हैं, उसी से उसी पे क्या होता है, उस पे पहले प्रकाश गिरेगा और इस वाले पे हमारे पार्ट पे दिखेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है आप लोगों का, आगे की पॉइंट है एडवांटेज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, यानी इसका एडवांटेज यानी गुण क्या है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का, इसका गुण क्या है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं पहला पॉइंट, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे आप लोग, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में बीम मतलब होती है दोस्तों जो हमारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनकी, यानी सीधी रेखा में बोल देंगे उस प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणों के बारे में बोला जाए, बीम और विसरित दोनों प्रकार की किरणें उपयोग कर सकते हैं, मतलब जो फैली हुई किरणें होंगी और जो सीधे आ रही हैं उनको, दोनों प्रकार की किरणों को हम इस वाले कलेक्टर में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसी नहीं है कि जो फाइल के आ रही हैं उनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बट इसमें जो भी हमारा जो भी हमारा सोलर एनर्जी आएगी, सोलर रेडिएशन आएंगे, सारे हम रेडिएशन को यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे की पॉइंट बात करते हैं, इन्हें सूर्य के सामने लाने के लिए घुमाना नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन आगे पढ़ेंगे दोस्तों आप लोग डिफरेंट टाइप्स के भी सोलर कलेक्टर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे कलेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको हमें घुमाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी इस वाले कलेक्टर को, यानी फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होगा इसको हम घुमाएंगे नहीं, तो इसको हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, इसका तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये चीज आप लोग देख ही रहे हैं और इसीलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, यानी मेंटेनेंस होगा ही क्या इसमें, देख सकते हैं आप लोग क्या क्या चीजें यूज किए हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट कोई मेरा है ही नहीं, तो इसमें मेंटेनेंस की जरूरत क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, यानी बहुत कम हो जाएगी, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसकी यांत्रिक संरचना सरल होती है, मैकेनिकल जो कंस्ट्रक्शन होता है वेरी इजी होता है, क्या होता है, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन जो होता है वेरी इजी होता है, यानी बहुत ही सरल होता है। कास्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो कास्ट भी बहुत मिनिमल होता है इसका, क्या होता है, कास्ट बहुत ही मिनिमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे कम तापमान पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 90 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तब भी यूज करेंगे, कम है तब भी यूज कर लेंगे, 90 डिग्री सेल्सियस एक रेटेड वैल्यू है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस बात को आई होप समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स, इसका एडवांटेज क्या क्या है, 6 पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, अगर आप लोग एग्जाम में 5 पॉइंट भी लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर पा जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्त आगे की बात करते हैं, इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसको भी तो आप लोगों को पढ़ना है ना। इसमें क्या है कि डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है कि इसमें सोलर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन का अत्यधिक परावर्तन होता है, यानी परावर्तन मतलब कि परावर्तन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मान लीजिए हमारा कांच का टुकड़ा है या कांच है, इस पे अगर हम प्रकाश की किरणें डाल रहे हैं तो इस पे यहाँ पे गिरेगे और इससे एक मतलब कोण बनाते हुए बाहर चली जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वही बोला जा रहा है प्रकाश की किरणें, मैक्सिमम प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है, जिससे इसकी दक्षता क्या हो जाती है, इफिशियंसी की बात करेंगे, इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी पानी जो है ना दोस्तों बहुत देर में क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सर्दियों में इसके ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, पानी जम जाता है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है, इफिशियंसी मायने नहीं रखती दोस्तों,
गर्मियों के मौसम में होता क्या है, मान लीजिए हमें कुछ और बहुत तो मतलब खाना वाना, अभी आगे चलेंगे खाना पकाने वाले मटेरियल की भी बात करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें हमारे डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। आगे क्या है, जो ये मेटल है, मेटल ट्यूब में संक्षारण होने लगता है, यानी संक्षारण मतलब जंग लगने लगता है। जो इसका मेटल ट्यूब है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कापर लगा था, कापर की ट्यूब्स होती हैं, उसमें क्या होता है जंग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तो तीन पॉइंट है इसमें, इनको दोनों तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। आप लोग कुछ याद ना हो चाहे ना याद हो, लेकिन ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखेंगे, ठीक है। सर्दियों के मौसम में या सर्दियों में इनके ट्यूब के अंदर पानी जम जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एप्लीकेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जो होते हैं उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, यानी इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे हम करते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको आप लोग देख लेंगे। क्या है पहला एप्लीकेशन, पहला उपयोग क्या है, सोलर कुकर में इसका उपयोग करेंगे हम फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर का। नेक्स्ट क्या है, सोलर वाटर हीटर में हम यूज कर लेंगे, सोलर ड्रायर में बात कर लेंगे हम इसका यूज कर लेंगे, सोलर भट्टी में यूज करते हैं। तो अभी डिफरेंट टाइप्स के और भी एप्लीकेशन हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप लोगों को केवल इतना ही जानना है, ठीक है। चार एप्लीकेशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर के बारे में आप लोग जान गए होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंसंट्रेटिंग टाइप का कलेक्टर्स की बात करेंगे, यानी कंसंट्रेटिंग मतलब होता है संकेंद्रित संग्राही, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करिए ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से, और लाइक करने से कुछ होता नहीं भाई, बस आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो दोस्तों आप लोग समझते होंगे सर बहुत पैसा कमा रहे हैं, पैसे अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा तो बोलेंगे अरे सर ये तो सब जीरो है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है दोस्तों, तो आप लोग इसमें इसके लिए आप लोग थोड़ा शेयर जरूर करिए। आप लोगों की मतलब कि आप लोगों की वजह से मेरा क्या होता है, मेरा एडवर्टाइजमेंट होता है, और अगर मैं कहीं भी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं जाता हूँ कि यहाँ पे मेरा कर दीजिए वहाँ पे कर दीजिए। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती होंगी, अगर कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो नहीं समझा पा रहा हूँ तो उसको ज़रूर हमें सजेस्ट करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।